एवरीवन, आई एम निकिता शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। सो क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट कंप्यूटर है, चैप्टर है 4, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड एंड पार्ट है इसका 2। अब हम इसमें पढ़ेंगे इंडेंटेशन, ये जो टॉपिक है वो हम इसमें रीड करेंगे। सो देखिए, इंडेंटेशन होता क्या है। इंडेंटेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस distance or number of blank space used to separate separate a paragraph from the right or left margin ओके। सो देखिए, इंडेंटेशन होता क्या है। इंडेंटेशन होता है कि हम क्यों यूज करते हैं इसको। तो देखिए, इंडेंटेशन इज यूज टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस और नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस यूज टू सेपरेट ए पैराग्राफ फ्रॉम द राइट और लेफ्ट मार्जिन। आपके जो भी लेफ्ट और राइट मार्जिन होते हैं पैराग्राफ के अंदर सेपरेट ओके। तो इसमें जो भी आप ब्लैंक स्पेस देते हो, ब्लैंक स्पेस का यूज करते हो, तो वो नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेस, ठीक है कि आपने कितने ब्लैंक स्पेस दिए, या आपने जो आपका पैराग्राफ है उसमें कितना डिस्टेंस मेंटेन किया है, ये इंडेंटेशन क्या है, ये उसी को डिस्क्राइब करता है, उसी के बारे में आपको बताता है कि हाँ हमने ये जो किया है ये इंडेंटेशन है और इसका हम यूज कैसे करेंगे कि हम डिस्क्राइब करेंगे डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस हमने मेंटेन किया है, ये सब हम इसमें बताते हैं ओके। अब देखिए, व्हेन यू इंडेंट ए पैराग्राफ you specify the distance of the text from the margins marked। अब देखिए कि when you indent a paragraph you specify the distance of the text from the margins। आप जब भी किसी भी paragraph को indent करते हो तो आप ये specify कर रहे हो कि उसके अंदर text के अंदर जो भी distance है from the margins, margins को लेकर जो भी आपका डिस्टेंस मेंटेन आप करते हो तो वो ये शो करता है, वो स्पेसिफाई करता है। अब देखिए, टू गिव इंडेंट्स, जब आप इंडेंट्स देते हो तो क्लिक
ऑन इंक्रीज इंडेंट बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब. आपको क्या करना है, होम टैब में से पैराग्राफ ग्रुप में से इंक्रीज इंडेंट के बटन पर क्लिक करना है. और सिमिलरली उसी तरीके से टू रिड्यूस द इंडेंट क्लिक ऑन डिक्रीज इंडेंट बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन होम टैब. आप उसी तरीके से क्या करना है, आपको उसी सेम तरीके से आपको अगर नहीं चाहिए तो आप डिक्रीज इंडेंट के बटन पर क्लिक करोगे. अब जब देखो ये आपको डायग्राम दिखा हुआ है तो विदाउट इंडेंट और ये है विथ इंडेंट, ठीक है, दोनों में आपको फर्क पता चल गया होगा कि आपने कैसे इंडेंट दिया है और कैसे आपने इस चीज को सेलेक्ट किया है. ओके, अब हम पढ़ेंगे लाइन स्पेसिंग. लाइन स्पेसिंग की है, लाइन स्पेसिंग क्या होती है और कैसे हमारी हेल्प करती है. ओके, लाइन स्पेसिंग. अब देखिए द हाइट ऑफ ए लाइन विद हाइट ऑफ ए लाइन इन ए पैराग्राफ इन ए पैराग्राफ विथ नॉर्मल और एक्स्ट्रा स्पेसिंग इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग. अब देखिए लाइन स्पेसिंग क्या होती है. लाइन स्पेसिंग होती है द हाइट ऑफ ए लाइन इन ए पैराग्राफ, कि पैराग्राफ के अंदर आपकी लाइन की हाइट क्या है, कितनी बड़ी है वो, और विथ नॉर्मल और एक्स्ट्रा स्पेसिंग कितनी उसमें नॉर्मल है, नॉर्मल है तरीके से है या कुछ एक्स्ट्रा आपने स्पेस दिया हुआ है, तो वो ही क्या कहलाती है, वही लाइन स्पेसिंग कहलाती है. ओके, टू अप्लाई लाइन स्पेसिंग आर लिस्टेड बिलो. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट द पैराग्राफ. ये हो गया आपका पैराग्राफ सेलेक्ट. फिर देखिए क्लिक ऑन द लाइन स्पेसिंग बटन इन पैराग्राफ ग्रुप. ये देखिए लाइन स्पेसिंग का जो बटन है वो आपके पैराग्राफ ग्रुप में मिल जाएगा. और ये पैराग्राफ ग्रुप कहाँ मिलेगा, आपको होम टैब में. और क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड लाइन स्पेसिंग फ्रॉम द ऑप्शन. और उसमें से आपको रिक्वायर्ड लाइन स्पेसिंग कितने की जरूरत है, 1.4. कितना स्पेस देना चाहते हो आप लाइंस के बीच में, तो वो आप कर सकते हो उसमें से डिसाइड. जैसे कि आपने किया है 1.5 का, तो ये देखो 1.5 के हिसाब से आपका जो पैराग्राफ है वो आपको डिस्क्राइब हो रहा है यहाँ पे इजीली. ओके, अब देखिए इसमें इस डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखिए लाइन स्पेसिंग की आपने कितने लाइंस में स्पेस दिया है, इस सिंगल दिया है जैसे, तो देखिए सिंगल में इतना स्पेस नहीं है ना, 1.0 का स्पेस ही है या नॉर्मल स्पेस ही है, ठीक है, या आपने 1.5 स्पेस दिया है, तो देखिए कितना स्पेस है आपकी लाइंस के बीच में. समझ में आ गया ना कि इस लाइन स्पेस का मतलब क्या होता है, कि आप लाइंस के बीच में कितना स्पेस दे रहे हो. ओके, ठीक है, अब देखिए इसमें यही चीज सेम चीज लिखी हुई है तीनों बॉक्सेस में, बट इसमें आपको क्या शो किया जा रहा है, इसमें आपको ये शो किया जा रहा है कि आपने कितना स्पेस दिया है इन लाइंस के बीच में. जैसे इसमें सिंगल स्पेस दिया है तो कहाँ है, ज्यादा स्पेस नहीं है ना दोनों लाइन्स के बीच में. इसमें आपने दिया है 1.5, तो देखिए इसमें स्पेस आ रहा है. इसमें आपने डबल स्पेस दिया तो मतलब 2 का स्पेस दिया, 2.0 का स्पेस दिया होगा, तो ही आपके इतना स्पेस इसमें आ रहा है. ओके, ये लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस हैं. अब हम पढ़ेंगे बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स.
बॉर्डर्स एंड शेल। Let's start. These functions make our text attractive. And presentable we can apply borders and shadings to a single paragraph a page or our entire document अब देखिए borders and shadings इन functions का क्या काम है। These functions make our text attractive and presentable। ये जो दोनों functions है border और shading, ये क्या करते हैं, हमारा जो भी text होता है, हमारा जो भी पैराग्राफ होता है या फिर हो सकता है एंटायर डॉक्यूमेंट या पूरा जो डॉक्यूमेंट होता है उसको ये क्या करते हैं, अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल बनाते हैं। अट्रैक्टिव का मतलब होता है कि जो चीज आपको को अपनी तरफ आकर्षित करे। अट्रैक्टिव का मतलब होता है कि जो चीज आपको अपनी तरफ आकर्षित करे वो होता है अट्रैक्टिव, कि हाँ हमें लगता है कि हाँ हमें इसे पढ़ना चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव मैनर में कुछ चीजें पढ़ने में उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन देखने में वो चीजें बहुत अट्रैक्टिव लगती है, हाँ कि ये चीज बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, हमें इसे पढ़ना चाहिए। कुछ चीजें अच्छी होती है, उनके मीनिंग्स अच्छे होते हैं, बट हमें वो अट्रैक्टिव नहीं होती तो हमें पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इस टाइम में क्या है, ऐसी चीजें सब पढ़ना पसंद करते हैं जो अट्रैक्टिव लगी, दिखने में अट्रैक्टिव लगी, और उनका प्रेजेंट करने का तरीका है वो क्या है, बहुत अच्छा होना चाहिए। सो वी कैन अप्लाई बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स टू अ सिंगल पैराग्राफ। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर्स और शेडिंग्स को एक सिंगल पैराग्राफ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, पूरे पेज पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, एंटायर डॉक्यूमेंट पूरे डॉक्यूमेंट पर भी आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। ओके अब देखिए आपको पढ़ना है स्टेप्स टू अप्लाई बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स आर लिस्टेड बिलो। अब आपको ये पढ़ना है कि आप कैसे अप्लाई करोगे बॉर्डर्स को और शेडिंग्स को, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेलेक्ट द टेक्स्ट। सब चीजें यही होती है कि या तो आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करो, क्योंकि जिस पर आपको बॉर्डर देना है और शेडिंग्स अप्लाई करने हैं। फिर देखिए क्लिक ऑन द बॉर्डर बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। आपको जो होम टैब है उसके अंदर पैराग्राफ ग्रुप में बॉर्डर बटन मिलेगा ना, उस पर आपको क्लिक करना है। ओके फिर थर्ड है ए ड्रॉप डाउन मेन्यू विद बॉर्डर ऑप्शन विल अपीयर। और जैसे ही आप बॉर्डर ऑप्शन पर बटन पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगी, उसमें आप इजिली जो भी आप चीजें चाहिए वो आप इजिली सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए सेलेक्ट द बॉर्डर स्टाइल विच यू वॉन्ट, जो आप चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर देखिए क्लिक ऑन शेडिंग बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब।
होम टेप के अंदर ही जो आपका पैराग्राफ ग्रुप है उसी में शेडिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जैसे बॉर्डर का ऑप्शन मिलता है उसी के पास आपको शेडिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो सेलेक्ट द डिजायर कलर फ्रॉम द कलर बॉक्स, उसमें से आपको अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आप किसी भी कलर को सेलेक्ट कर सकते हो। द बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स आर अप्लाई टू योर पैराग्राफ और डॉक्यूमेंट, आपके जो बॉर्डर है और शेडिंग्स है वो अप्लाई हो जाएंगे जिस भी चीज को, पूरे पैराग्राफ को या पेज को या डॉक्यूमेंट को, जिसको भी आपने सेलेक्ट किया है। तो देखिए, लेट्स सी, सबसे पहले हमने क्या किया था, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया था, उसके बाद देखिए बॉर्डर बटन, तो ये देखिए सब मेन्यू ओपन है ना, इसके यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि आप F1 प्रेस करोगे तो आपके पास मोर थिंग्स, ये आपकी हेल्प करेगा। ओके, इसमें भी F1 शेडिंग्स के ऑप्शन में भी F1 आपकी हेल्प कर देगा। ये देखिए एक स्टोरी है, ये द फॉक्स एंड द ग्रेप्स है ना, तो आप इस स्टोरी को देखिए, मतलब कि हम जिस चीज को 3 और 4 times से हम ज्यादा पढ़ चुके हैं, अब बट हमें नहीं पढ़नी है वो, और वो पढ़नी पड़ती है, तो अगर वो अट्रैक्टिव मैनर में है तो आप क्या चाहोगे, या कि हम इसे पढ़ना है। अब देखिए पूरी स्टोरी है ये, फॉर्स टू गिव ट्राइंग एनी मोर ही वॉक्ड अवे, और वो लास्ट में क्या बोलती है इसमें, जब उसके वो ग्रेप्स है वो उन तक नहीं पहुंच पाती है, तो लास्ट में क्या बोलती है कि जाओ तुम्हारे अंगूर खट्टे हैं, लाइक दैट ऐसे ही बोलती है ना वो। तो इस स्टोरी को देखो कितने अट्रैक्टिव मैनर में प्रेजेंट किया है, तो आपको क्या लगेगा कि हाँ ये मे बी उसमें कुछ चेंज होगा, ये इतना अट्रैक्टिव है तो हमें इसको पढ़ना चाहिए। तो हम जो भी चीजें होती है हम उसी चीज को पढ़ना चाहते हैं जो अट्रैक्टिव मैनर में हमारे सामने प्रेजेंट हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो।